तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान में रख करके एक अच्छा सा लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे ध्यान में रख करके अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उनमें जल्दी किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब भी आप लैपटॉप परचेस करें तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जो उसका लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है उसी लेटेस्ट जनरेशन का लेना है या फिर उसके एक दो आगे पीछे भी चल सकता है। उसका जनरेशन ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको यूज करने में ज्यादा मजा नहीं आने वाला। इसके बाद चलते हैं प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर जो होना चाहिए वो आपका आईटेल, राइजन, मतलब कि कुछ अच्छी कंपनी है उनमें का आपको प्रोसेसर होना चाहिए। और प्रोसेसर भी लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि i5 i3 तो पुराना हो चुका है, लेकिन अगर i5 लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लैपटॉप के रैम की। तो लैपटॉप में कम से कम रैम 8GB रहना चाहिए जिससे आपको बाद में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चलते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है SSD। तो जो SSD है ये तो आप सब जगह चल रहा है, हार्ड डिस्क काफी जगह बंद हो चुका है। तो लैपटॉप में ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें SSD लगा है या हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है ना, हार्ड डिस्क थोड़ा पुराना हो चुका है और वो स्लो काम करता है, SSD काफी फास्ट तरीके से काम करता है। तो आपके लैपटॉप में कोशिश करें कम से कम 250GB या 500GB, वो आपके ऊपर स्टोरेज है कि आप कितना स्टोरेज यूज करना चाहते हैं। और अगर आप गेमिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब का भी शौक रखते हैं तो आपके लैपटॉप में कम से कम 4GB का ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए। तो ग्राफिक कार्ड क्या करता है कि जब भी हम गेम, फोटो, वीडियो या फिर कुछ भी एडिट करते हैं या गेम खेलते हैं तो उसमें जितने भी मल्टीपल्स कलर, उनमें तो आप जानते हैं फोटो एडिटिंग या गेमिंग में बहुत सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो उन सब कलर को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप गेमिंग, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का शौक रखते हैं तो आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, कम से कम तो 4GB का होना चाहिए। तो आप बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके एक अच्छा सा लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। इसी तरीके से और भी टेक्निकल और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।